दोस्तों, मैं हूं अखिलेश मीना और स्वागत है आपका अखिलेश दी केमिस्ट्री हब पर। आज हम आपको बताने वाले हैं डाइल्यूशन का प्रोसेस, मतलब अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेट एसिड है और उसको आप डाइल्यूट करना चाहते हैं तो डाइल्यूट कैसे करेंगे। और कॉन्सेंट्रेट एसिड आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या फिर नाइट्रिक एसिड हो या फिर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, तो इनमें से कोई सा भी एसिड आपको अगर कंसंट्रेट आपके पास है और उसे आप डाइल्यूट करना चाहते हैं तो डाइल्यूट कैसे करेंगे और कितना डाइल्यूट करना है आपको। ठीक है, कितना का मतलब है, मैं यहाँ मोलरिटी के लिए बोल रहा हूँ। जैसे 1/10 मोलरिटी है, 1/20 है या फिर 1/30 है। ठीक है, कितनी मोलरिटी का आपको डाइल्यूशन करना है जो आपको कंसंट्रेट एसिड को कन्वर्ट करना है आपको डाइल्यूट एसिड में, तो कितनी मोलरिटी आपको रखनी है। तो जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है, हमको 0.1 एम डाइल्यूट H2SO4 बनाना है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि आपको 0.1 एम का मतलब है यहाँ पर मोलरिटी से, हिंदी में जैसे मोलरता बोलते हैं, तो 0.1 मोलरिटी का तनु H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 आपको बनाना है। तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी सांद्र H2SO4 की, जैसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से आपको बनाना है डाइल्यूट H2SO4। तो इसके लिए आपको यूज करनी होगी मोलरिटी इक्वेशन जो M1B1 बराबर M2B2 होती है। ठीक है, M1B1 इज इक्वल टू M2B2, ये मोलरिटी इक्वेशन है जिसे आप यूज कर रहे हैं डाइल्यूशन के प्रोसेस में। यहाँ M1 का मींस है जो आपके पास H2SO4 है इसकी मोलरिटी कितनी होती है। ठीक है, तो M1 का मतलब क्या है, मोलरिटी ऑफ H2SO4। ठीक है, H2SO4 कितनी है, ये 18 होती है। H2SO4 की मोलरिटी कितनी होती है, 18। और ये कहाँ से आया है 18, ठीक है, मैं अभी इसे आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आप याद रखें M1 की जो मोलरिटी होती है वो M1 मतलब मोलरिटी है H2SO4 की जो 18 होती है। उसके बाद B1 का मतलब है वॉल्यूम ऑफ H2SO4। ठीक है, और वो H2SO4 कैसा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट, कि जब आप डाइल्यूट H2SO4 बनाएंगे तो आपको कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का जो वॉल्यूम है वो कितना लेना है। ये B1 का मीन्स है यहाँ पे। M2 का मीन्स है यहाँ पे H2SO4 की जो मोलरिटी है जो आपको गिवन है 0.1। ठीक है, गिवन मोलरिटी ऑफ H2SO4 वो कितनी है, 0.1। इसके बाद B2 का मीन्स है यहाँ पे कि जब आप डाइल्यूशन करेंगे, मतलब आपको जो डाइल्यूट H2SO4 आपको बनाना है उसका वॉल्यूम कितना रखना है। ठीक है, वॉल्यूम आपको कितना रखना है उसका, तो ये वॉल्यूम हमने लिया है 1000 ml। ठीक है, या फिर आप 1 लीटर कह सकते हैं। तो ये मोलरिटी इक्वेशन में जो इसके M1B1 M2B2 है, ये आपकी समझ में आए। M1 का मतलब है मोलरिटी ऑफ H2SO4 जो 18 होती है, B1 का मतलब है वॉल्यूम ऑफ H2SO4 जो आपके पास कॉन्सेंट्रेट है वो आपको कितना लेना है, M2 का मतलब है यहाँ पे गिविन मोलरिटी ऑफ H2SO4, H2SO4 की जो मोलरिटी आपको गिविन है, जैसे यहाँ पे 0.1 है तो हो सकता है आपको 0.2 का आपको डाइल्यूट H2SO4 बनाना हो तो यहाँ 0.2 रखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ 1 मोलरिटी रखनी है तो आपको यहाँ 1 रखेंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा आप कितनी मोलरिटी का डाइल्यूट H2SO4 बना रहे हैं, तो यहाँ वो रख देंगे। V2 का मतलब होता है यहाँ पे आपको जो डाइल्यूट आप बना रहे हैं सॉल्यूशन को उसका टोटल वॉल्यूम कितना रखना है, तो वो हम ले रहे हैं 1 लीटर या 1000 ml। ठीक है, इसके बाद इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे आप पुट करेंगे तो M1 की वैल्यू है यहाँ से 18,
ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, इसके जगह पर देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, इधर देखें एम वन की वैल्यू है 18, वी वन की वैल्यू है, मतलब ये तो आपको फाइंड करनी है तो उसे ऐसे रहने देंगे, एम टू आपको 0.1 दिया है और वी टू आपको वॉल्यूम कितना रखना है टोटल वॉल्यूम, तो ये है 1000। तो ये बी वन इज इक्वल टू 0.1 इंटू 1000 अपॉन 18, ठीक है। 0.1 को आप 1/10 लिख सकते हैं और यहाँ 1000, यहाँ आएगा 18, 10 से 10 क्रॉस हो जाएगा और यह 100/18 आएगा। जब 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5.55 ml आएगा, ठीक है। मतलब ये हम कह सकते हैं अगर आपको 0.1 मोलरिटी का डाइल्यूट H2SO4 बनाना है तो आपको 1 लीटर वाटर में 5.55 ml कंसंट्रेट H2SO4 लेना होगा, ठीक है। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपको 0.1 मोलरिटी का डाइल्यूट H2SO4 बनाना है तो आपको 1 लीटर वाटर में 5.55 ml कंसंट्रेट H2SO4 लेना है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका डाइल्यूशन का प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद हम आपको लैब में ले चलेंगे, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में, और वहाँ हम आपको ये बना के भी दिखाएंगे ये कैसे बनता है, मतलब जो आपने यहाँ पे एक थ्योरेटिकली आपने सीखा है इसको हम आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे कि कैसे आप कंसंट्रेट एसिड को डाइल्यूट बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई, तो यहाँ ये एम वन की जगह पे हमने जो 18 रखा है, ये 18 कहाँ से आया, ठीक है। यहाँ आपको थोड़ा डाउट हो सकता है कि 18 कहाँ से आया, क्योंकि हमने डायरेक्ट रख दिया है, H2SO4 की जो मोलरिटी होती है वो 18 होती है। आइए अब देखते हैं कि ये जो H2SO4 की मोलरिटी है वो 18 कहाँ से आई है। तो अगर आपके पास H2SO4 98%, ठीक है, 98% वेट बाई H2SO4 है और उसकी डेंसिटी दे रखी है 1.8 ग्राम पर ml, तो उसके लिए जो मोलरिटी होती है वो 18 होती है, ठीक है। ये डेंसिटी और ये जो बाई वेट वाला परसेंटेज है ये आपको चेंज भी मिल सकता है, 97 भी हो सकता है आपके पास या 99 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि आपके पास 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है, उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 98 ग्राम अकेला क्या है, H2SO4 है। इसका मतलब ये होता है अगर 97 यहाँ पे होता, और ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो H2SO4 आपके पास होगा कंसंट्रेट उस पर लिखा हुआ होता है कि आपके पास जो H2SO4 है वो कितने परसेंट का है, 98% है, 99% है या फिर 97% है। तो हमारे पास जो H2SO4 है वो 98% वाला है, ठीक है, और उसकी डेंसिटी दे रखी है 1.8 ग्राम पर लीटर, ठीक है। ये लीटर नहीं है, मिलीलीटर में है, ठीक है, 1.8 ग्राम पर ml में, तो उसकी मोलरिटी 18 होती है। अब ये हमें चेक करना है 18 आया कहाँ से, तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे मोलरिटी का, तो मोलरिटी बराबर होता है n अपॉन बी, और ये लीटर में, ठीक है, और n का मतलब होता है w अपॉन m, ठीक है। w का मीन्स होता है यहाँ पे H2SO4 का मास कितना है, तो ये 98 ग्राम है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 100 ग्राम सॉल्यूशन में 98 ग्राम क्या है, H2SO4 है, इसका मीन्स ये होता है। तो यहाँ क्या रखेंगे, 98, और m का मतलब है H2SO4 का मोलर मास, तो ये भी 98 होता है, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद ये b चेक करते हैं, b मतलब सॉल्यूशन का तुम्हारा वॉल्यूम कितना है, तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे, m इज इक्वल टू b इंटू d, V इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन D,
ठीक है। और एम का मीन्स क्या है यहाँ पे, एम का मीन्स है यहाँ पे सॉल्यूशन का मास कितना है। तो सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम। तो यहाँ पे आप 100 रखेंगे। और डी का मतलब डेंसिटी आपको दे रखी है 1.8, जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 1000/18। अब ये ध्यान रखना है आपको, जो हमने ये डेंसिटी ली है, जो दी है हमको, ग्राम पर मिलीलीटर में है, एमएल में, और फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं मोलरिटी वाला जो लीटर में है, तो इसे भी आप लीटर में करेंगे, ठीक है। ये क्या है, अब तक ये अब तक एमएल में है, अगर आपको इसे लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000/18 और डिवाइड भी करेंगे इसमें 1000 से, ठीक है, ऐसे करके। तो 1000 से 1000 कट जाएगा और ये आपका आएगा। फिर देखो इसे मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम 1/18 लीटर में, ठीक है। ये कहाँ से आया है, एम मतलब ये वॉल्यूम, तो उसका मास था सॉल्यूशन का जो 100 था, यहाँ से मालूम हुआ हमें। डेंसिटी आपको दे रखी है 1.8, हमने यहाँ पे रख दिया, तो ये बन गया 1000/18, ठीक है। लेकिन ये ml में है, इसे आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/18 लीटर वॉल्यूम। अब आपके पास VV आ गया और n की वैल्यू भी हो गई, ठीक है। ये n की वैल्यू है ये 1, और ये V की वैल्यू है 1/18। अब इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पर रख दो, तो n की जगह पर रखेंगे आप 1 और V के स्थान पर रखेंगे आप 1/18, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है ना। अब समझ में आया तुम्हारे में, ये 18 कहाँ से आया है, H2SO4 की जो मोलरिटी आपने 18 यहाँ पे मानी थी, वो 18 आया कहाँ से है, ठीक है। तो वो इस वाले फॉर्मूले से आया है 18 निकल के, जो सिंपल है, ठीक है। और ये चेंज भी हो सकती है, पॉइंट में भी हो सकती है, थोड़ी कम भी आ सकती है, वो डिपेंड करेगा कि आपको जो H2SO4 मिला है वो कितने परसेंटेज का मिला हुआ है और उसकी डेंसिटी कितनी है, इसके बेस पे ये चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो हम डाइल्यूशन का प्रोसेस कर रहे थे उसमें ये निकल के आया था कि आप 1 लीटर वाटर में 5.55 ml कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपकी थ्योरी कम्प्लीटली समझ में आई होगी। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं केमिस्ट्री की लैब में और वहाँ हम इसको आप प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि कैसे आप डाइल्यूशन करेंगे। अब हम देखेंगे डाइल्यूशन कैसे करना है, जो थ्योरी हमने आपको पढ़ाई थी उस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली डाइल्यूशन कैसे होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये मेजरिंग सिलेंडर है और इस मेजरिंग सिलेंडर में कितना हमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेना है, 5.5 ml, ठीक है। तो ये हमारे पास इस बीकर में लिया है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और इस मेजरिंग सिलेंडर में हम डालेंगे और कितना डालना है, 5.5 ml। ये कहाँ से निकल के आया, ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं इससे पहले। ठीक है, तो लगभग 5.5 ml है, ठीक है। ये 5.5 ml हमने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिया है, ये मेजरिंग सिलेंडर है और इसे हमें डालना है डिस्टिल्ड वाटर में। तो ये हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है, जो 1 लीटर है। तो हमने इसमें से थोड़ा वाटर निकाल के इसमें डाल लिया है, इस बड़ी वाली बोतल में, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादा भरे हुए थे, इस वजह से हमें थोड़ा इस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 को घोलने में थोड़ी आसानी होगी, इस वजह से हमने इसमें से वाटर इसमें डाल लिया है। तो ये और इन दोनों का जो वाटर है वो 1 लीटर ही है। धीरे धीरे हमें वाटर में एसिड मिलाना है, ठीक है। ये डिस्टिल वाटर में हम क्या मिला रहे हैं, कंसंट्रेट H2SO4। और ये आपको याद रखना है, एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि आप जानते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और यहाँ से हीट निकलेगी और उससे हमें नुकसान भी हो सकता है, इसलिए हम ड्रॉप वाइज डालेंगे, ठीक है। बूंद बूंद करके हम डिस्टिल वाटर में
कंसनट्रेट H2SO4 को डालेंगे। और ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप एसिड में वाटर नहीं मिलाएंगे, हमें वाटर में एसिड को मिलाना है, ना कि एसिड में वाटर को मिलाना है, ठीक है। क्योंकि वहाँ से अगर आपने एसिड में वाटर को मिलाया, मतलब इसके अपोजिट अगर आपने ये प्रोसेस किया, तो वहाँ से एक लार्ज अमाउंट में हीट निकलेगी जो आपको नुकसान दे सकती है। इसलिए आपको याद रखना है, वाटर में ही आपको एसिड डालना है और एक साथ नहीं डालना है, धीरे 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 करके हम इसे डिजॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा H2SO4 हमने इस बॉर्डर में डाल लिया है। और ये वाली जो बोतल है, इस वाली बोतल में हम इसको भर लेंगे। ठीक है, ये वाला वाटर भी हमें इसी में डालना है। टोटल वॉल्यूम कितना करना है आपको? 1 लीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, ये डाइल्यूट H2SO4 है, जिसकी मोलरिटी कितनी है? 1/10, मतलब 1/10 मोलरिटी का ये डाइल्यूट H2SO4 है। ठीक है, जो जिसमें हमने 1 लीटर वाटर में 5.5 ml कंसनट्रेट H2SO4 डाला है। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये प्रोसेस सही लगा और आप कुछ नया सीखे हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।